कमिंग टू सुष्मिता त्रिपाठी एंड आई वेलकम यू ऑल टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ हॉलीवुड। स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। अगर आप लोगों को क्लियरली सुनाई दे रहा, दिखाई दे रहा, सब कुछ ओके है तो मुझे बता दो एंड वी विल स्टार्ट द सेशन देन। गुड इवनिंग, सही है, चलो ओके। सो मेरे एंड से दिखा रहा था कि अभी तक ये वेटिंग पर ही है, तो आई वाज थिंकिंग इतनी देर तक वेटिंग पर ही क्यों है ये। एनीवे चलो अभी जरा हम लोग देख लेते हैं कल के हमारे जो क्वेश्चंस थे उसे डिस्कस कर लेते हैं, फिर आज के सेशन की तरफ बढ़ते हैं। एक एक बार जरा सेशन को क्या करो, शेयर वेयर कर दो, बिकॉज बहुत ही कम तादाद है, भयानक कम, और वो और कम ही होती जा रही है तब से। कोई खास बात? ओके चलो दोस्तों अब चलते हैं अपनी सेशन की तरफ, हम लोग बढ़ते हैं। किसी को कोई दिक्कत दुख परेशानी ज्यादा या कम समझ में आ रहा है? ओके सो मुझे क्या लगता है कि यूट्यूब पे सबसे ज्यादा व्यू उसका होता है जो बच्चों के लिए वीडियोस बनाता है, जैसे कि आई हैव अ किड और हम लोग जब उसे वीडियोस दिखाते हैं तो आई एम सीइंग देयर वहां पे बिलियन में व्यूज होते हैं। कैन यू इमेजिन, बिलियन में व्यूज हैं, एकदम नॉर्मली सबके बिलियन में व्यूज रहते हैं। आई फील लाइक ये क्या है यार, मतलब अगर मैं भी ऐसे सॉन्ग गाऊं बेबी शार्क और उस पर डू 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 करती रहूँ तो आई माइट बी गेनिंग सम मिलियन व्यूज ऑन दैट। कैन यू इमेजिन? एनी वे सो दैट इज जस्ट अमेजिंग, मुझे बहुत सही लगा ये आइडिया। और चलो अब साथ में मिलके हम लोग ऐसा कुछ कर सकते हैं नया। हाँ क्योंकि वो वीडियो हमेशा यूज होता है, बच्चे तो हमेशा होते रहेंगे और बच्चों को वीडियो तो हमेशा देखना होता है। इनफैक्ट नाउ इवन पेरेंट्स आर बाइंग सेपरेट फोन फॉर देयर किड्स जिसको वो लोग चला सके। मुझे जब ये पता चला कि मेरे भी घर में कुछ लोग हैं जिन्होंने अपने बच्चे के लिए फ़ोन खरीदे थे, व्हेन दे टोल्ड मी कि वी हैव बॉट अ फोन फॉर आवर बेबी, तो आई फील कि यार मुझे बहुत अमीर होना पड़ेगा एक बच्चा पालने के लिए। बट सीरियसली आई मीन हद हो गई। तो अभी मेरा प्लान था चाय की दुकान का, तो वो तो मेरा प्लान है। मेरा नेक्स्ट प्लान है बेबी सॉन्ग्स को बनाना, तो तुम लोग क्या कहते हो, ये हम लोग कर सकते हैं? चलो ओके चलते हैं हम लोग जरा कल के क्वेश्चंस जो है उसे डिस्कस कर लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। डिड यू सॉ सुपर 30 मूवी? हाँ आई सॉ दैट। ओके सबसे पहला सवाल देखो भाई, सबसे पहला सवाल क्या है, सबसे पहले सवाल में आपसे पूछा जा रहा है कौन सी स्टेट ने अभी अभी अपने इंटायर स्टेट को डिस्टर्ब एरिया अगले 6 महीने के लिए घोषित कर दिया है। उपेंद्र ओझा मेथड, अभी तक मैं पहला ये मैं पहला क्वेश्चन कराने जा रही हूँ और ही इज आस्किंग एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे क्या? सीरियसली उपेंद्र पहले क्वेश्चन देख तो लो, ये डेली करंट अफेयर्स है और डेली करंट अफेयर्स से तुम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो कि हम लोग डेली क्वेश्चन ही करते रहे? सो हद हो गई यार, मतलब गजब एकदम। ओके देखो सबसे पहले आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि कौन सी स्टेट ने अपने एंटायर स्टेट को डिस्टर्ब एरिया करार दिया था, तो ये किसने दिया था? ये दिया था असम ने। असम ने अभी अपने वहां पर अफ्सपा लागू कर दिया है, ठीक है। अच्छा क्या कोई मुझे ये बता सकता है कि अफ्सपा के किस सेक्शन में किसी एरिया को डिस्टर्ब एरिया बनाया जाता है? ओके मेरा क्वेश्चन क्या है कि अफ्सपा के किस पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर किसी भी एरिया को डिस्टर्ब एरिया करार देते हैं? किसी को याद आ रहा है क्या कुछ ऐसा? वी हैव लर्न्ड अबाउट इट यस्टरडे अंडर सेक्शन 3। नहीं बताओगे? अगला देखो, 175 नेशंस ने एंडोर्स किया है अभी अभी। अच्छा ये नहीं आज हम लोगों को पढ़ना होगा। वेयर इज यूएन टेलीकॉम बॉडी ITU टू ओपन इट्स एरिया ऑफिस फॉर साउथ एशिया? तो जो ITU है ये अपना एक ऑफिस शुरू करने वाला साउथ एशिया के अंदर। ऑप्शंस में आपसे पूछा जा रहा है कि कहाँ पर ये इसको शुरू करेगा, दिल्ली, कोलंबो, इस्लामाबाद, जकार्ता। द आंसर विल बी, हाँ भाई वेरी गुड, सो द आंसर हियर विल बी न्यू दिल्ली। ये इन्होंने कहा है कि इसे न्यू दिल्ली में शुरू करने वाले हैं। अच्छा ये बताओ गिफ्ट सिटी के अंदर कौन अपनी ऑफिस शुरू करने को कहा है, किन्होंने ये कहा है कि गिफ्ट सिटी के अंदर वो अपनी ऑफिस शुरू करेंगे? नहीं बताओगे? ग्रेट, सो दैट वुड बी NDB। ओके और NDB का हेड ऑफिस कहाँ पर होता है? शंघाई के अंदर होता है। एनीवे तो ये जो ITU है इन्होंने कहा है कि ये अपनी हेड एक नई ऑफिस शुरू करेंगे साउथ एशिया रीजन के लिए और ये करेंगे दिल्ली के अंदर। ओके
ITU का फुल फॉर्म इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनिट, इसके यूनियन, पहले इसका क्या नाम था, इसका इसके पहले नाम था इंटरनेशनल टेलीग्राफ यूनियन, लेकिन बाद में नाम इसका चेंज हो गया। अगला देखो क्या पूछ रहा है, इनमें से कौन सी नॉर्थ ईस्ट स्टेट है जहाँ पे ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट होलंगी में शुरू किया जाएगा। ऑप्शन देख लो, असम, नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश। पेंसिल अभी तक नहीं लिया है, ये वही मेरी पेन चल रही है, मतलब नहीं चल रही है, उसी को लेके बैठी हूँ, इस उम्मीद से शायद कुछ लिख पाऊँ मैं आज के सेशन में। ओके, सो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि कौन सा नॉर्थ ईस्ट स्टेट है जहाँ पे ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट होलंगी में शुरू किया जा रहा है, इसका आंसर क्या हो जाएगा। गुड इवनिंग प्रियंका, तुम बहुत दिनों बाद दिखे मुझे। यस, इसका आंसर होगा आपका अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में कहा गया है एक नया एयरपोर्ट बनाया जाएगा होलंगी में, और ये बनाया जाएगा 640 करोड़ की लागत से, ठीक है, इसको बनाया जाएगा। कल मैंने आप लोगों को बताया था कि ग्रीन फील्ड और ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट क्या होते हैं। ग्रीन फील्ड क्या होता है, जहाँ पे बिल्कुल कुछ नया, नए नींव रखा जाए, उसको नए तरीके से किया जाए, और इसके अलावा ब्राउन फील्ड क्या होता है, जहाँ पे ऑलरेडी कुछ हो रहा था उस पर आप दूसरा कुछ प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्ट कर रहे हो, तो ये आपका ग्रीन फील्ड और ब्राउन फील्ड होता है। फिलहाल में ये आपका ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट होगा, ठीक है। अगला देख लो, इनमें से कौन सी ऐसी पहली डिपॉजिटरी है जहाँ पे 60 मिलियन एक्टिव डीमेट अकाउंट्स खुले हैं। ऑप्शन देखो, NSDL, TSDL, VSDL, CDSL, मतलब कुछ भी। अरे तुम लोग जो सोच रहे हो पेंसिल ले लो, तो पेंसिल नहीं अलग से आती है, पूरा सेट खरीदना होता है, और सेट को आने में भी टाइम लगता है अमेज़ॉन से, तो थोड़ा सब्र करो, मैं भारत के आखिरी छोर पे रह रही हूँ, तुम लोग समझ रहे हो कितना मुश्किल है यहाँ पे लोगों का पहुँचना, मैं सूर्य के करीब लगती हूँ कभी कभी, खुद को लगता है। ओके, सो यहाँ पे आंसर क्या होगा, हाँ वे, सो इसका आंसर हो जाएगा आपका CDSL। अभी अभी जो CDSL है, CDSL ने बताया कि इनके वहाँ पे ओवरऑल 60 मिलियन एक्टिव डीमैट अकाउंट्स खोले गए हैं। इसका क्या मतलब होगा, इसका मतलब होगा सिंपली कि जो ओवरऑल डीमैट अकाउंट्स हैं उसमें जो मैक्सिमम यूजर्स अभी आप देख सकते हो वो CDSL के पास में होंगे, ठीक है। अच्छा, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन हो सकती हैं, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन हो सकती हैं, कोई बताएगा मुझे? नहीं बताओगे, मई के मंथ में तुम लोगों को मजा आएगा बच्चों, यहाँ पे मई में उतनी गर्मी नहीं होती है, तो घबराओ मत, यहाँ की गर्मी गई, अब तुम लोग गर्मी के मजे लो वहां पर। लेकिन अब मैं यूपी जा रही हूँ, यहाँ पे फिर गर्मी होगी, तो मतलब मैं गर्मी के लिए बन गई हूँ। ओके ग्रेट, देखो ये क्या इसका आंसर होगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका CDSL। ओके, इसके अलावा एक और भी बात आप लोग जरा याद रखे रहिएगा कि ये जो हमारे वहाँ पर बैंक्स होते हैं वो आपके डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स होते हैं, इसको ज़रूर याद रखे रहिएगा। और इसके साथ में एक और पॉइंट को आप लोगों को ध्यान रखना होगा कि अभी फ़िलहाल में हमारे जो हमारे वहाँ पर जो CDSL है, यहाँ पे मैक्सिमम एक्टिव डीमैट अकाउंट्स हैं, डीमैट अकाउंट उनके खुले जाते हैं जो कि शेयर्स में ट्रेड करना चाहते हो, ठीक है। अगला देखो, भूपेंद्र यादव ने रिलीज किया था DTE स्टेट ऑफ इंडिया एनवायरनमेंट ऑफ विच ईयर, किस ईयर का इसको रिलीज किया गया था अभी अभी। ऑप्शन देख लो, 2022, 32, 21 या 20, व्हाट इज द आंसर। क्या होगा, ये किस ईयर के लिए लॉन्च किया गया था, ये आपका 2022 के लिए अभी अभी लॉन्च किया है किसने, ये DTE, डाउन टू अर्थ स्टेट ऑफ इंडिया एनवायरनमेंट रिपोर्ट को लॉन्च किया गया था, किसका, 2022 का। यस, नेक्स्ट देखो, कहां पर 2022 का एडिशन वायु शक्ति अब शुरू होगा, पोखरान, मुंबई, लेह या कारगिल। द आंसर इज यस, ग्रेट, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पोखरान। ओके, पोखरान में अभी वायु शक्ति जो है शुरू किया जाएगा। अच्छा, वायु शक्ति कौन सी फोर्स कंडक्ट करती है, वायु शक्ति को कंडक्ट करने वाली कौन सी फोर्स होती है, एयर फोर्स होगा या हाँ मतलब ठीक है एयर फोर्स, ठीक है ठीक है, उसको भी हम डिसाइड कर, उसके भी हम डिस्कशन करेंगे, अभी घबराओ नहीं, लेकिन पहली बात तो सुन ले, ठीक है। यस, दैट वुड बी एयरफोर्स, ठीक है। एक और बात बताइएगा कि वायु शक्ति के अलावा कौन सा एक और इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज होता है एयरफोर्स का। कल मैंने आपको बताया था, एक होता है वायु शक्ति, और वायु शक्ति के अलावा एक होता है आपका गगन शक्ति। ओके, वायु शक्ति में क्या किया जाता है, लैंड की चीजों को टारगेट किया जाता है, और गगन शक्ति में एयर टू एयर टारगेट करके स्ट्राइक करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देख लो, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अनाउंस्ड टू लॉन्च
प्ले पास सब्सक्रिप्शन सर्विस इन इंडिया। तो प्ले पास सब्सक्रिप्शन सर्विस भारत के अंदर कौन लॉन्च करने वाला है? माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, एप्पल, मेटा। व्हाट इज द आंसर? यस, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका गूगल। ठीक है, तो गूगल ने कहा है कि वो प्ले पास सब्सक्रिप्शन सर्विस अब भारत के अंदर भी लॉन्च करेगा। क्या ऐसा इसने पहले कहीं किया है? हाँ, इसके पहले इन्होंने ये चीज यूएसए में 2019 में लॉन्च की थी। ठीक है, इनमें से कौन सा पहला विलेज है जो कि कंप्लीटली सोलराइज किया जा रहा है फाउंडेशन के द्वारा? दुधाला, धौला, बीजापुर, खनवाल। यस, सो अब आपसे पूछा गया कि कौन सा ऐसा पहला विलेज है जो कि कम्प्लीटली सोलराइज किया गया है फाउंडेशन के द्वारा? ये हुआ है आपका दुधाला। ठीक है, दुधाला गुजरात ऐसा पहला विलेज बना है जो कि पूरी तरह से सोलराइज किया जा रहा है। ओके, हाँ भाई, चलो, तो ये हमारे कल के क्वेश्चंस थे जिसे हमने डिस्कस कर लिया। अब जरा हम लोग चलते हैं और आज की खबरों को पढ़ते हैं। ठीक है, तो आज के सेशन में आप सभी लोगों का बहुत सारा स्वागत। एक एक बार इस सेशन को लाइक कर दो और मेरा मनोबल बढ़ा दो। पता नहीं मैं ये सब कहाँ से सीख रही हूँ बोलना, एनीवे, लेकिन हाँ, लाइक तो कर ही दो, वो मेरे लिए बहुत मतलब ऑब्वियसली एनकरेजिंग होता है। खैर, देखो, जो भी इंटरेस्टेड है और चाहता है इस बैच को सब्सक्राइब करना या खुद को एनरोल करना, अगर किसी को भी ऐसा लगता है कि उसका जीए वीक है, उसका जीए की वजह से सिलेक्शन नहीं होता है, बैंकिंग का जीए उससे नहीं हो पा रहा है, उसे कुछ समझ नहीं आता है बैंकिंग अवेयरनेस में, तो यू कैन ज्वाइन दिस बैच, इट इज गोइंग टू हेल्प यू अलॉट। ओके, जीरो टू हीरो, नाम से आपको लगता होगा कि हाँ, जीरो जो आएगा ना वो हीरो बन जाएगा, दैट इज माई गारंटी। ओके, तो जो भी इसमें इंटरेस्टेड है वो इसे बाय कर सकता है। अब अगर आप चाहते हो कि क्या हम लोग पहले एक बार जीए का खरीदना होगा, फिर क्या हमें रीजनिंग का लेना होगा, फिर इंग्लिश, अगर ऐसा आप सोच रहे हो तो ऐसे भी कोई नीड नहीं है। आप लोग सीधा सीधा क्या कर सकते हो, जो बैंकिंग सुपर एलीट पैक है इसको आप जाकर के बाय कर सकते हो। इसमें क्या होगा, पूरे साल में जितना भी मॉक आएगा, जितने भी टेस्ट सीरीज होंगे और जितने भी न्यू कोर्सेज आएंगे ऑलिव बोर्ड के, ये सब के सब आप अवेल कर सकते हो। तो आई विल सजेस्ट यू, दिस इज द बेस्ट पैक, बैंकिंग सुपर एलीट, इसे जरूर ले लो। और याद रखिएगा कि कोई सा भी कोर्स आपको लेना हो ऑलिव बोर्ड पे, तो आपका कोड होना चाहिए सुष्मिता। इस कोड को लगाओगे तो आप लोगों को एडिशनल 5% ऑफ मिलता है जितना भी अभी चल रहा है। ओके, सो इफ यू आर विलिंग टू बाय दिस कोर्स, यू कैन बाय दिस एंड यू विल हैव टू यूज द कोड सुष्मिता। ओके, मैडम का नाम है ये, SUSHMITA। चलो अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। मोटिवेशन आज मैं नहीं दूंगी आपको कोई मोटिवेशन, आज हम लोग सीधा अपने सेशन की तरफ चलेंगे, क्योंकि मोटिवेशन मुझे लगता है कि आज बिना मोटिवेट हुए ही एक दूसरे को मोटिवेट करते हैं। ओके, सेल्फ मोटिवेट होने की कोशिश करते हैं। तो देखो, जैसे आप सबसे पहला देख सकते हो कि रेलिगेयर ब्रोकिंग ने लॉन्च किया है प्री अप्लाई LIC IPO ऐप डीमैट अकाउंट ओपनिंग के लिए। अब ये खबर क्या है, ये क्या बताना चाहता है? बेसिकली देखो, कभी भी हम लोग के वहाँ पर कभी भी जैसे कोई भी ऐसे IPO वगैरह होते हैं, तो उसके पहले जो है उससे रिलेटेड लोगों को सब्सक्राइब करना होता है, कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए होती हैं। तो जितने अपने वहाँ पे शेयर ब्रोकरेज का काम करते हैं वो लोग ऐसे अलग अलग सर्विसेज लेकर के आते हैं। तो जैसे आप लोग सबसे ज़्यादा हमारे वहाँ पर जो नोन है वो ज़ीरोधा है, ज़ीरोधा बहुत ज़्यादा इसमें नोन है शेयर ब्रोकरेज में। खैर, अभी फिलहाल में जैसे हम देख सकते हैं कि जो रेलिगेयर ब्रोकिंग है, इन्होंने लॉन्च किया है प्री अप्लाई LIC IPO। ठीक है, तो ये क्या करेगा, बेसिकली जितने भी टाइप के इन्वेस्टर्स हैं जो कि LIC के एग्जिस्टिंग पॉलिसी होल्डर्स हैं या जो पहली बार के इन्वेस्टर हैं, वो क्या कर सकते हैं, वो इसमें अपना इंटरेस्ट कर सकते हैं, मतलब इंटरेस्ट कर सकते हो आप इसमें, सब्सक्राइब कर सकते हो। कभी भी कोई भी अगर हमारे वहाँ पर शेयर अपना लेकर के आता है, तो वो पहला स्टेप कंपनी करती है कि हम अपने शेयर्स को लेकर के आ रहे हैं, तो वो होती है उनकी इशूड कैपिटल, जितने के लिए उन्होंने शेयर जारी किए हैं, जितनी कैपिटल के लिए वो उन्होंने इशू किया है। अगला स्टेप हमेशा जनता के द्वारा होता है, जो उसमें अपना सब्सक्रिप्शन डाल के इंटरेस्ट शो करती है कि मैं तुम्हारे शेयर्स को इतने रुपए में खरीदना चाहता हूँ। तो ये जनता अपनी तरफ से उनके शेयर्स को सब्सक्राइब कर रही है, याद रखिएगा। ठीक है, तो पहला हो गया जब इन्होंने इशू किया, अगला हुआ जब जनता ने उसे सब्सक्राइब किया, तीसरा कंपनी देखती है कि कौन कितने रुपए में हमारे शेयर्स खरीदने को तैयार है, तो तीसरी बार कंपनी उन्हें कॉल करेगी और कॉल करके बताएगी हम आपको अपने शेयर इतने में देने को तैयार हैं। तो ये तीसरे पे आता है आपका कॉल्ड अप। चौथा स्टेप क्या होता है कि ये लोग जो होते हैं ये अपनी तरफ से पेमेंट करते हैं, तो ये चौथा स्टेप होता है। और पांचवा स्टेप होता है जहाँ पे इन्हें शेयर अलॉट कर दिए जाते हैं। तो इस तरीके से आप पांच स्टेप में याद रख सकते हो, सबसे पहला इशू किया जाएगा, दूसरा जो अब किया जा रहा है प्री LIC IPO ऐप लेकर के आ रहेंगे, यहाँ पे लोग अपनी तरफ से दिखा सकते हैं कि वो कितने शेयर्स में इंटरेस्ट
इंटरेस्टेड है, ये दूसरा स्टेप है। तीसरा, जब कंपनी उन्हें कॉल करके बताएगी कि हम आपको अपने शेयर्स कितने में दे रहे हैं। चौथा, इनकी तरफ से पेमेंट होगी। और पांचवा होगा जो कि फुल हो जाएगा, यानी कि अलॉटमेंट हो जाएगी। तो इन स्टेप्स में कंप्लीट होता है। ये मैं आपको समझाने के लिए समझा रही हूँ, स्टेप्स और भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन ये इजिएस्ट तरीका है हमारे लिए समझने का। जो लोग न्यू हैं इस फील्ड में या जिन्हें कभी पता नहीं था आईपीओ क्या है, वो आराम से आप समझ सकते हो। तो अब हम सभी को पता है कि LIC का आईपीओ आने वाला है, और आप लोग एक शब्द में कह सकते हो इसका हवा है अभी मार्केट में, कि आज तक भारत के अंदर इससे बड़ा किसी का आईपीओ अभी तक नहीं हुआ है। ठीक है, तो अब LIC अपना आईपीओ लेकर के आने वाला है, और ये जो अपना आईपीओ लाएगा, इसमें सरकार ने कहा है कि वो अपने 5% स्टेक LIC के अंदर से बेचने वाली है, जिससे उन्होंने कहा है कि उन्हें उम्मीद है कि वो 70,000 से 80,000 करोड़ तक शायद से इससे रेस कर सकते हैं। ठीक है, तो वही चीज़ है कि इसके लिए रेली गेयर ब्रोकिंग जो है, ये एक ब्रोकरेज फर्म है, इन्होंने अपनी एक सर्विस ब्रोकिंग हाउस है और सिक्योरिटी फर्म है, ये लॉन्च किए हैं अपनी तरफ से रेली गेयर प्री अप्लाई LIC IPO ऐप, जो कि एक तरीके से वन स्टॉप सॉल्यूशन होगा इन्वेस्टर्स के लिए कि वो अपना डीमैट अकाउंट खोल सके, और साथ ही साथ में इतना इंटेंट कितना उन्हें प्री अप्लाई करना है LIC के लिए वो उसमें दिखा सके, मतलब कि इंटेंट कर सके इतना होने चाहिए, उसके हिसाब से उनकी अलॉटमेंट होगी शेयर्स की। ठीक है, तो ये आप लोग देख लीजिएगा कि यूजर्स चाहें तो इससे एलीट प्लान को भी ले सकते हैं, जो इनका प्रीमियम ब्रोकरेज सर्विस होता है। डीमैट अकाउंट, हम सभी को पता है डीमैट अकाउंट क्यों खोला जाता है। डीमैट अकाउंट खोलने का जो सबसे बड़ा एक मकसद होता है, वो होता है कि किस तरीके से हम लोग शेयर्स में ट्रेड कर सकते हैं। अब कल हमने पढ़ी एक चीज कि CDSL के पास में 60 मिलियन एक्टिव डीमैट अकाउंट है। इसका क्या मतलब था? डीमैट अकाउंट खोल रहा है बैंक, लेकिन उसके अंदर जितने भी डेटाज हैं जो कि ऑनलाइन फॉर्म में स्टोर हैं, वो CDSL के पास में है, और CDSL के डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट बनके सबसे ज्यादा अभी हमारे देश में डीमैट अकाउंट खोल रहे हैं। डीमैट अकाउंट के ही थ्रू हम लोग शेयर्स को खरीद सकते हैं या बेच सकते हैं। तो वही चीज है कि इस डीमैट अकाउंट को लोग खोल सकते हैं इस ऐप पर, साथ ही साथ में चाहे तो ये बता सकते हैं कि वो कितने शेयर कितने रुपए में खरीदने के लिए विलिंग है, कितना उनका खरीदने की इच्छा है। इसके लिए रेली गेयर ने अपने एंड से ये शुरू किया है ब्रोकरेज वाला। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत दुख परेशानी? नहीं, सब अच्छा है, सब भला हो रहा है सबका। ओके, तो चलो ये हो गया हमारा डीमैट अकाउंट। अच्छा बच्चों, अब एक और भी बात जरा आप लोग साथ ही साथ में याद रखे रहो कि जो हम लोग ये पढ़ रहे हैं डीमैट अकाउंट, इस तरीके से लोगों का ट्रेडिंग अकाउंट भी होता है। ठीक है, यू हैव टू डीमैट अकाउंट, ग्रेट, आई हैव नन एनीवे, बट स्टिल आई बाय शेयर्स। ओके एनीवे, अच्छा बच्चों एक और भी बात देख लो, अगर हम लोग LIC से रिलेटेड एक दो और बातें याद कर लें, तो याद रखिएगा कि फिलहाल में जो आपका LIC का एक्ट है 1956 का, इसको अमेंड किया गया है। और अब एक बात बताओ मुझे कि अब LIC के अंदर कितने परसेंट तक FDI अलाउ किया गया है। एनीवन हु कैन आंसर कि फिलहाल में LIC के अंदर कितने परसेंट FDI अलाउ कर दिया गया है? नहीं बताओगे? Yes, that would be 20%. Okay, अभी allow किया गया है। Normal insurance firms के अंदर 74% allowed है, लेकिन LIC के अंदर 20% allow किया गया है। क्यों ये बाकियों से अलग है? क्योंकि LIC का अपना खुद का एक्ट होता है जिसके थ्रू इसको गवर्न किया जाता है। ठीक है, फिर याद रखिएगा कि LIC ने कुछ दिन पहले पॉलिसी बाजार के साथ में मिलकर के एक MOU साइन किया था, जहाँ पे पॉलिसी बाजार के कस्टमर्स को ये अपना क्या करेंगे, ये अपने एंड से अपने प्रोडक्ट्स को देने वाले हैं। फिर याद रखिएगा कि LIC ने अपने स्टेक को इंडसइंड और कोटक के अंदर 9.9% तक कर लिया है, और LIC एक ऐसी संस्था है जहाँ पे पब्लिक सेक्टर बैंक्स के मैक्सिमम शेयर्स हैं जिसके पास में। ग्लोबली अगर हम वैल्यू देखते हैं LIC की, तो ग्लोबली ये थर्ड स्ट्रॉन्गेस्ट फर्म होता है इंश्योरेंस सेक्टर का, ये भी ध्यान रखिएगा। किसकी बात हो रही है? LIC की। अभी तक भारत में इससे बड़ा IPO किसी ने नहीं लॉन्च किया जितना अब LIC लॉन्च करने वाला है। इसके लिए LIC को कितने मर्चेंट बैंकर्स अपॉइंट करके दिए गए? इसके लिए LIC को 10 मर्चेंट बैंकर्स को अपॉइंट करके दिया गया है। ऑल दीज थिंग्स आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, जो हम लोग को याद रखनी होगी। ओके, चलो अब जरा हम लोग देखते हैं अगला। यूको बैंक ने पार्टनरशिप की है फिजडम के साथ में, ताकि वो ऑफर कर सके फिनटेक सर्विसेज अपनी कस्टमर्स को। ठीक है, तो अब हम किसकी बात कर रहे हैं? अब हम लोग बात कर रहे हैं यूको बैंक की। इन्होंने पार्टनरशिप किसके साथ में की है? फिजडम के साथ में की है। क्या करने को? फिनटेक सर्विसेज अपने कस्टमर्स को ऑफर करने को। जरा ध्यान दीजिएगा कि जो यूको बैंक है, अच्छा ये बताओ यूको बैंक के चीफ अभी फिलहाल में कौन है? हु इज हैविंग द चार्ज ऑफ यूको बैंक चीफ? नहीं बताओगे? हाँ, तो सीधी सीधी सी बात है कि यूको बैंक का पार्टनरशिप कर रहा है फिजडम के साथ, और ये इनके साथ में पार्टनरशिप में कहा है कि ये फिनटेक सर्विसेज देने वाले हैं, जिसमें कि डीमैट अकाउंट ऑफर करेंगे, स्टॉक ब्रोकिंग सर्विसेज देंगे,
पेंशन फंड अलाउ करेंगे, टैक्स फाइलिंग की सुविधा देंगे कस्टमर्स को, ठीक है, ये सब यूको बैंक और फिजडम मिलकर के करने वाले हैं, कस्टमर्स के लिए आसानी रहेगी बहुत। इसके अलावा जो यूको बैंक है ये अब ऑफर करेगा कस्टमर को 3-in-1 पर्सनल बैंकिंग। जब भी आप लोग देखते हो 3-in-1 तो याद रखिएगा कि ये इन्हें सेविंग के साथ साथ में डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट भी ऑफर करने वाला है, ठीक है। तो फिलहाल ये 3-in-1 पर्सनल बैंकिंग एक्सपीरियंस देने को कह रहा है, जिसमें ये अपने प्रोडक्ट और सर्विस स्वीट कस्टमर्स के अकॉर्डिंग उन्हें कस्टमाइज करके और ऑफर करेगा। कौन कौन कर रहा है? यूको बैंक अलॉन्ग विद फिजडम, ध्यान रखे रहिएगा, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट की पॉइंट याद रखिएगा कि जो एक्सटेंशन स्वीट है ये ऑफर किया जाएगा यूको बैंक मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन यूको एम बैंकिंग प्लस को, और ग्रेजुअली इसको एक्सेसिबल किया जाएगा इंटरनेट बैंकिंग प्लेटफॉर्म के साथ साथ में। एक बात बताओ मुझे जरा कि क्या यूको बैंक अब भी पीसीए के अंदर है? इज यूको बैंक स्टिल अंडर पीसीए, यस और नो? सॉरी पीपल, ओके, तो मैं जरा पानी मांग रही थी, पानी की मोहताज में। ओके, सो अब आपसे क्या पूछा जा रहा था कि क्या ये अभी भी है? नहीं, अब ये नहीं है फिलहाल में, ओके। अब आपका इसे पीसीए से बाहर कर दिया गया था, पीसीए में ले दे करके एक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, और वो भी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को कहा गया है कि जो क्वार्टर एंड होगा मार्च में उसे भी बाहर कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स आप लोग याद रखे रहेगा, यूको बैंक ने अभी मिलकर के फिजडम के साथ में एक नए तरीके की सुविधा देने को कही है, ठीक है। इसके अलावा यूको बैंक की हम थोड़ी बातें कर लेते हैं। तो ये जो यूको बैंक है इनका एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ है? 1943 के अंदर इसे एस्टैब्लिश किया गया है। अगला आप देख सकते हो कि हेड ऑफिस इसका कहाँ पर होता है? कोलकाता वेस्ट बंगाल में। MDCU आप देख सकते हो सोमा शंकर प्रसाद, और टैगलाइन क्या है? ऑनर्स योर ट्रस्ट, ठीक है। ये सारी चीजें रिलेटेड टू यूको बैंक, इसे आप लोग जरा ध्यान रखिएगा, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ओके। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, फिजडम का भी देख लो भाई, हेड ऑफिस मुंबई में और को फाउंडर सीईओ सुब्रमण्य SV। अगला देखो, पेटीएम ने पार्टनरशिप की है IRCTC के साथ में, जिससे वो ऑफर कर सके डिजिटल टिकटिंग सर्विस ATVM के थ्रू। तो आप लोगों को पता होगा वेंडिंग मशीन, हाँ ठीक है, आप लोगों को पता होगा वेंडिंग मशीन जो कि स्टेशन वगैरह पे जनरल दिखता है। तो अब क्या हुआ है, जो पेटीएम है ये पार्टनरशिप कर रहा है, पेटीएम किसके द्वारा ओन किया गया हुआ है? 197 कम्युनिकेशन के द्वारा। इन्होंने कहा है कि अपनी पार्टनरशिप को एक्सटेंड कर रहा है IRCTC के साथ में, और मिलकर के ये लोग डिजिटल टिकट ऑफर करने वाले हैं कंज्यूमर्स को ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीन्स के थ्रू, जो कि रेलवे स्टेशन पर इंस्टॉल्ड होते हैं। बेसिकली ये पहली बार होगा कि इंडियन रेलवे अब ऑफर करेगी ऑप्शन कि लोग टिकटिंग सर्विसेज के लिए UPI के जरिए पे कर सकें वेंडिंग मशीन्स पे, जिससे कि ये कैशलेस कम्यूटिंग रेलवे पैसेंजर्स के अंदर आसान करेगी, ठीक है, ओके। तो ये क्या करेगी, हाँ तो ये क्या करने वाली है, जैसे क्या होगा, कोई भी जो पेटीएम होता है जो QR कोड होता है उसको ईजिली स्कैन करके और लोग अपनी इजीली क्या कर सकते हैं, पेटीएम कर सकते हैं वेंडिंग मशीन्स में, ठीक है। तो ये इजी हो जाएगा थोड़ा सा, और पहली बार ऐसा हो रहा है कि इंडियन रेलवे इस चीज़ को सपोर्ट कर रही है, ओके। ये किसके साथ में किया जा रहा है, जो पेटीएम का अपना एफर्ट होता है किस तरीके से हम लोग कैशलेस ट्रांजेक्शन्स को और डिजिटल पेमेंट को अपने वहाँ पर प्रमोट कर सकते हैं उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो देख लो, अब आपके सामने बाकी सारी डिटेल्स लिखी हुई हैं कि इस पार्टनरशिप के अंदर पेटीएम और IRCTC क्विक रिस्पॉन्स कोड सॉल्यूशन ATVM पर अलाउ करेगा पैसेंजर्स को कि वो लोग कैशलेस कम्यूट कर सकें एक जगह से दूसरी जगह आना जाना। अब यूज किया जाएगा ये न्यू QR कोड बेस्ड डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशन, जो कि इंप्लीमेंट किया गया है सभी वेंडिंग मशीन्स पे। पेटीएम इसके अलावा ऑफर करेगा पैसेंजर्स को फ्लेक्सिबिलिटी कि वो पे कर सकता है वेरियस पेमेंट ऑप्शन, जैसे कि पेटीएम UPI वॉलेट से ये लोग कर सकते हैं चाहे पेमेंट, या पेटीएम वॉलेट से कर सकते हैं पोस्ट पेड जो कि बाय नाउ पे लेटर होता है, नेट बैंकिंग, कुछ भी चाहे उसका यूज करके और सिंपली ये लोग पे कर सकते हैं टिकट के लिए। इंडीड ये बहुत ही अच्छा स्टेप है अगर आप लोग ध्यान दो, क्योंकि हमारे वहाँ पर अभी बहुत ज़्यादा मतलब डिजिटल पे इंडिया की पे तो हम लोग फोकस कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी सेक्टर है जहाँ पे अभी तक ये नहीं लाया गया है। तो एक बार जब इसको इंस्टॉल कर दिया जाएगा रेलवे स्टेशन
स्टेशन पे, उसके बाद से कम्यूट करना बहुत ईजी हो जाएगा, इंस्टेंट टिकट बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा, ठीक है। एनी वे ATVM की हम बात करें तो ये जो आपके वेंडिंग मशीन्स होती है, टच स्क्रीन बेस्ड टिकटिंग कियोस्क होती है जो अलाउ करती है रेलवे पैसेंजर्स को कि वो पे कर सकें डिजिटली, और एनेबल करती है इन्हें कि ये लोग अनरिजर्व ट्रेन जर्नी टिकट्स अपनी परचेज कर सकें। ऑब्वियसली रिजर्वेशन के बाद थोड़ी ना पे करने जाओगे, अनरिजर्व ही लोगे। पेटीएम का लेटेस्ट डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशन है जो कि ऐड करेगा इनके और भी सर्विसेज के अंदर, तो ये तो तब से हम लोग पढ़ ही रहे हैं। पेटीएम की बात अगर अपन लोग कर ले, MD CEO कौन होते हैं, विजय शेखर शर्मा जी। हेड ऑफिस कहाँ पर होता है, नोएडा उत्तर प्रदेश के अंदर। अपार्ट फ्रॉम दिस अगर हम लोग कुछ मिल के बात याद करें पेटीएम की IRCTC की, तो IRCTC ने कुछ दिन पहले ट्रू कॉलर के साथ में, किसके साथ में, ट्रू कॉलर के साथ में एक MOU साइन किया था। मैंने आपको एक बार एक इंसिडेंस बताया था, लास्ट ईयर मेरे पास में एक कॉल आई थी, उस पे ऊपर लिखा हुआ था लगाती है मगर उठाने का नहीं, तो ये ट्रू कॉलर ने मुझे पहले ही वॉर्न कर दिया था कि ये कोई ऐसा नंबर है जिसे उठाना नहीं है क्योंकि ये आपका टाइम वेस्ट करेगा। आजकल मुझे ट्रू कॉलर नहीं वॉर्न कर रहा है, इसका मुझे दुख है। एनीवे तो IRCTC ने भी ट्रू कॉलर के साथ में मिल करके अभी अभी आप लोग कह सकते हो कि एक नया पैक्ट साइन किया है जिससे ये लोग मिल करके तो इन्होंने कहा मिल करके कहा है कि जो फ्रॉड कॉल्स होते हैं उसको कम की जाएगी। अपार्ट फ्रॉम दैट IRCTC ने अपने वहाँ पर थीम बेस्ड ट्रेन शुरू कराई है, ये भी हम लोगों को याद है। फिर आप लोगों को क्या याद रखना है कि जो IRCTC है ये पहली बार इंडिजिनस क्रूज लाइनर हमारे वहाँ पर IRCTC के द्वारा अवेल कराया गया है शिप्स पर। साथ में एक दो और पॉइंट्स को आप लोग ज़रा ध्यान रख के रहिएगा कि इंडियन रेलवे ने कहा है कि ये बिगेस्ट कंट्री का सबसे बड़ा रेसलिंग एकेडमी शुरू करेगी। कहाँ पर शुरू करने वाली है इसे, ये इसे दिल्ली के अंदर शुरू करने वाली है। तो ये तो हो गई IRCTC और इंडियन रेलवे। अच्छा एक बात बताओ, ऑपरेशन आहट किसने लॉन्च किया है, कोई मुझे बता सकता है किन्होंने ऑपरेशन आहट को लॉन्च किया था? नहीं बताओगे Yes. ये लॉन्च किया गया था रेलवे के द्वारा RPF, और इसको लॉन्च करने का इनका मकसद क्या था, इनको लॉन्च करने का इनका मकसद था कि जो ट्रैफिकिंग होती है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, इसको कम की जा सके। तो बेसिकली जो फोर्स थी इसको ज़्यादातर जो भी हमारे वहाँ पर दूसरे देश के लगे हुए बॉर्डर्स हैं उस पर ज़्यादा एक्टिव रहना होगा, जैसे बांग्लादेश म्यांमार यहाँ पर ज़्यादा एक्टिव रहेंगे लोग, ठीक है। हाँ आहट आता था, अब मेरे दिमाग में आहट की म्यूजिक चल रही है, तुम लोग को याद है। एनीवे अच्छा इसके अलावा एक दो और बातें ज़रा हम लोग साथ ही साथ में याद रखें। हाँ आज सुबह भी हमने डिस्कस किया था, फिर एक बात को और याद रखे रहना कि जो इंडियन रेलवे है, इंडियन रेलवे ने कहा है कि ये 2030 तक कम्प्लीटली अपने आप को कार्बन न्यूट्रल कर लेगी, 2023 तक ये कम्प्लीटली अपने आप को इलेक्ट्रीफाई कर लेगी सारे ब्रॉडगॉज। इंडियन रेलवे मंत्रालय ने इस बार कवच भी लॉन्च किया है जहाँ पे दो ट्रेन एक दूसरे से कोलाइड ना करें उसके लिए टेक्निक जो है डिस्क्राइब की गई है। ओके अरे तुम लोग भी देखते थे आहट, इश्को ये एंड ऑल्सो देर वॉज दिस जी हॉरर शो, तो मुझे इश्को ये और आहट की म्यूजिक तो अभी तक याद है। इश्को ये वॉज देन कन्वर्टेड टू विकराल और गबराल, तुम लोग भी देखते थे क्या? अच्छा दिस इज आउट ऑफ द सेशन बट फिर भी मैं आप लोगों से एक बात डिस्कस बता रही हूँ कर रही हूँ। जब मैं छोटी थी तो एक मूवी आई थी जानी दुश्मन, तो उसमें एक नाग था, मैं वो मूवी देखी थी और वो भी मैं थिएटर में देखी थी अपने सारे कजिन्स के साथ, तो हम लोग बहुत फैसिनेट हुए थे उस मूवी से, ये बहुत अच्छी मूवी है। तो जब हम लोग घर पे आते थे तो वी वर डिस्कसिंग कि कौन ज़्यादा स्ट्रांग है, विकराल ज़्यादा स्ट्रांग है या उसमें का नाग ज़्यादा स्ट्रांग था या उसमें अक्षय कुमार ज़्यादा स्ट्रांग थे या फिर ओवरऑल शक्तिमान सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है। तो इस पे काफ़ी लंबा हम लोग का डिस्कशन होता था कि कौन सबसे ज़्यादा इसमें से स्ट्रांग था। खैर तुम लोग की क्या राय है, चलो अगला देखो। अब ये बहुत आसान सी खबर है बच्चों, देखो ये जो NPCI है इन्होंने पार्टनरशिप की है yatra.com और SBI कार्ड के साथ में कि ये लॉन्च कर सकें यात्रा SBI कार्ड, ठीक है। ये लोग इसको क्या, हाँ ये लोग क्या कर सकें, लॉन्च कर सकें यात्रा SBI कार्ड। ओके अब जरा हम लोग बातें करते हैं कि ये है क्या। तो कभी भी लोग मिल करके आपस में अगर कार्ड लॉन्च कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है उस कार्ड के जरिए क्या किया जाएगा, उस कार्ड के जरिए लोगों को सुविधा दी जाएगी कि किस तरीके से ज़्यादा इसका इस्तेमाल कर सकते हैं अपने वहाँ पर। ओके अब ज़रा ध्यान दीजिए आप लोग, हाँ शक्तिमान मूवी आने वाली है,
तुम को तो यार गजब याद है, लॉकेट समझ गया था, मुझे मूवी भूल गई, बहुत छोटी थी मैं तब। अच्छा देखो, तो ये NPCI है, हम सभी को पता है अपने वहाँ पे जितनी भी चीज़ें होती हैं, जैसे NPCI है, कोई भी कार्ड वगैरह लॉन्च करना होता है तो उसको लॉन्च करने के पीछे अपना NPCI होता है, क्योंकि जितनी भी पेमेंट सेटलमेंट रिलेटेड डिस्कशन होती है या पेमेंट सेटलमेंट रिलेटेड जितनी भी टेक्नोलॉजीज़ हैं उसको इनोवेट करने के लिए NPCI को बनाया गया है। अब जो NPCI है, इन्होंने हाल फिलहाल में पार्टनरशिप करी है yatra.com और SBI कार्ड के साथ में, जिससे ये मिलकर के लॉन्च करेंगे यात्रा SBI कार्ड, और ये रुपे नेटवर्क पे लॉन्च किया जाएगा। बेसिकली इसको लॉन्च करके क्या करेंगे ये लोग, इसको लॉन्च करके ये लोग ट्रैवल एंथुजियास्ट पे फोकस करने वाले हैं, ठीक है। तो मैं एक मीम देखती हूँ जिसपे लिखा रहता है कि 1 घंटे की जर्नी में 1 किलो वॉमिट करते हैं और ये लोग ट्रैवल फ्रीक हैं। एनीवे, मेरे साथ ऐसा नहीं है। तो देखो ये जो कार्ड ये लोग मिलकर के ला रहे हैं, ये एक हॉलीडे कम शॉपिंग क्रेडिट कार्ड होगा, ओके। तो बेसिकली आपको अलग अलग तरीके के रिवॉर्ड्स मिलेंगे, पॉइंट्स मिलेंगे, इसका आप 6 बार एप्लीकेबल होगा साल भर में। इसका यूज़ करके आप लोग अपनी ट्रैवल में भी इसका यूज़ कर सकते हो और शॉपिंग के टाइम में भी कर सकते हो। याद रखने वाली बात है कि कौन से 3 लोग मिल करके इसको बना रहे हैं, एक तो आपका है यात्रा, दूसरा है आपका SBI और तीसरा आपका NPCI, ठीक है। इधर देख लो बेनिफिट क्या होंगे, यहाँ पे ऑनबोर्डिंग गिफ्ट वगैरह होंगे, ठीक है, यात्रा का वाउचर भी मिलेगा, फिर जो ट्रैवलर होंगे उन्हें 6 रिवॉर्ड पॉइंट दिया जाएगा हर 100 स्पेंड पे, और कार्ड में ये इंपॉर्टेंट है, एक कॉम्प्लीमेंट्री एयर एक्सीडेंट कवर रखा गया है 50 लाख का। ये किसी को पता नहीं होता है, लोग ऊपर भी चले जाएंगे और कभी किसी को मिलेगा नहीं, क्योंकि कोई कभी जानेगा ही नहीं। अपार्ट फ्रॉम दैट ये भी देखिएगा, इसमें एक एडिशनल फीचर भी होता है एनुअल फी वीवर का, जिसमें 1 लाख अगर कोई खर्च कर रहा है तो इस कार्ड का यूज़ करके उन्हें 1% फ्यूल सरचार्ज वीवर भी दिया जाएगा हर एक कस्टमर को, ध्यान रखे रहेगा। अच्छा, SBI कार्ड और पेमेंट के बारे में हम लोग याद अगर बातें कर लें तो ये बेसिकली SBI की एक सब्सिडियरी की तरह वर्क करता है, और इनके वहाँ पर जितने भी कार्ड रिलेटेड सर्विसेज होते हैं ये करता है। एस्टैब्लिशमेंट इनकी अक्टूबर 1998 में की गई थी, हेड ऑफिस गुड़गांव में है, मैनेजिंग डायरेक्टर रामा मोहन राव अमारा है यहाँ पे। यात्रा की बात कर लें, एस्टैब्लिशमेंट हुई है 2006 में, हेड ऑफिस है गुरुग्राम में, को-फाउंडर CEO कौन है, ध्रुव श्रृंगी, इनको भी जरा आप लोग याद रखे रहेगा। अब अगर कुछ हम लोग और भी बातें कर लेंगे, या कोई और भी ऐसे अभी हाल फिलहाल में कार्ड वगैरह लॉन्च किए गए, तो जो SBI कार्ड है ना, SBI कार्ड ने कुछ दिन पहले Paytm के साथ में मिलकर भी टोकनाइजेशन के लिए MOU साइन किया था, इस बात को याद रखिएगा, SBI कार्ड एंड Paytm फॉर कार्ड टोकनाइजेशन, इसको पहले याद रखिएगा। इसके अलावा SBI ने नव ई कैश कार्ड लॉन्च किया था विक्रमादित्य पर, विक्रमादित्य हम लोग बेसिकली कह सकते हैं, और SBI फैब इंडिया के साथ में मिलकर के भी एक MOU साइन किया था कार्ड लॉन्च करने को, ये तो आप लोग याद रखे रहेगा। टॉकिंग अबाउट NPCI, तो हमारे वहाँ पर NPCI क्या होता है, बेसिकली सुपरवाइजर होता है, जितने भी पेमेंट सर्विसेज हैं अपने वहाँ पर उसको सुपरवाइज करने के लिए NPCI होता है। NPCI जो है इसको बनाया गया था कब, इसको बनाया गया था 2008 के अंदर, चीफ होते हैं दिलीप आजबे जी, और हेड ऑफिस कहाँ पर होता है, मुंबई के अंदर। किसी को कोई दिक्कत दुख परेशानी, एवरीथिंग ओके, ग्रेट एंड गुड। चलो अगर हम लोग NPCI की थोड़ी और भी बातें कर लें, तो कुछ दिन पहले NPCI ने एक MOU साइन किया था उडेमी बिजनेस के साथ में, जहाँ पे ये NPCI के जो एम्प्लॉयज हैं उन्हें उडेमी ट्रेन करेगा, स्किल प्रोवाइड करेगा। हाँ, फिर NPCI ने जो है फरवरी के पहले हफ्ते में क्या लॉन्च किया था, UPI सेफ्टी अवेयरनेस वीक, इसको भी आप लोगों को ध्यान रखना होगा, ठीक है। अच्छा, हमारे वहाँ पर ई-रूपी को लॉन्च किया गया था पिछले साल अगस्त में। अब ई-रूपी का सहायता लेकर कर्नाटका सरकार ने कहा है कि वो अपने वहाँ पर स्टूडेंट्स को उनकी कॉलेज फीस प्रोवाइड करेगी, स्कॉलरशिप प्रोवाइड करेगी, तो ये भी कर्नाटका सरकार ने SBI और NPCI के साथ मिल करके उन्हें ई-रूपी सर्विस जारी करने को कही थी, इस पॉइंट को भी सब ध्यान रखे रहेगा। चलो, और ऑन द गो सॉल्यूशन NPCI ने, इसको बस आप लोग याद करते चलो, याद लिखते चलो कहीं पॉसिबल हो, मैं नहीं लिख पा रही हूँ क्योंकि मेरी पेन बेकार हो चुकी है, ओके। तो NPCI ने ऑन द गो सॉल्यूशन लॉन्च किया था येस बैंक के साथ में मिलकर के, इसको भी ध्यान रखे रहो सभी लोग, ठीक है। हाँ, और इन्होंने लॉन्च किया था कार्ड टोकनाइजेशन प्लेटफॉर्म NTS, तो ये सारे पॉइंट्स आप लोग ध्यान रखे रहना। यस, हो सकता है आपसे बाई चांस पूछ भी लिया जाए कि NTS क्या होता है। NTS होता है NPCI टोकनाइजेशन सिस्टम। ये जितने पॉइंट्स NPCI से कहें ये मैं मंत्र नहीं पढ़ रही हूँ, ये इंपॉर्टेंट है, इसको कहीं लिख लो, ठीक है। अगला देखो, RBI ने कैंसिल किया है लाइसेंस किसका, सजरे राजू दादा नायक श्रीला सहकारी बैंक लिमिटेड, महाराष्ट्र के अंदर है ये, ठीक है। तो अब देखो, जैसा हम देख सकते हैं
जो आरबीआई है इन्होंने कैंसिल किया है लाइसेंस। सरजी जारूदादा नायक श्रीराला सहकारी बैंक लिमिटेड श्रीराला सांगली महाराष्ट्र के अंदर है, बिकॉज इनके वहाँ पे सफिशिएंट कैपिटल नहीं थी कि अपना बिजनेस रन कर सकें। इस वजह से अभी अभी इनकी जो लाइसेंस थी उसको कैंसिल कर दिया गया है, और इसको कैंसिल किया गया है किसके अंदर, सेक्शन 11(1), सेक्शन 22(3)(d) और सेक्शन 56 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। की फैक्ट क्या है, इस बैंक के अंदर एडिक्वेट फंड नहीं थे और साथ ही साथ में इनका अर्निंग प्रोस्पेक्टस भी अब कमजोर हो चुका था काफी। इसके अलावा बैंक को डीबार कर दिया गया है कि ये अब अपनी बिजनेस प्लेटफॉर्म नहीं चला सकते हैं, अभी इन्हें अपने बिजनेस रोकना होगा। फिलहाल में बैंक जो है ये डिपॉजिट्स नहीं ले सकता है, और रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट भी अगर हम देखते हैं तो वो उसकी कंडीशन अभी है नहीं करने की। ऑर्डर फॉर वाइंडिंग अप, इसको वाइंड अप करने का जो भी ऑर्डर आया है ये अपॉइंट किया जाएगा इसके बाद एक लिक्विडेटर, जो कि पास करेगा रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज ऑफ महाराष्ट्र के द्वारा, और फिर इनकी वाइंडिंग अप कराई जाएगी। तो ऐसे लगातार बहुत सारे सहकारी बैंक या कोऑपरेटिव बैंक हैं जिनका लाइसेंस कैंसिल हो रहा है या जिनको बंद किया जा रहा है, इनको कहीं लिखे रहा करो, इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अभी हम लोग अगर याद करें कि कुछ दिन पहले आरबीआई ने और किसके किसको जो है बंद किया, तो पीसी फाइनेंशियल सर्विसेज है, पीसी फाइनेंशियल सर्विसेज का भी ऐप था कैशबी, जिसे आरबीआई ने जिसका कैंसिल किया है लाइसेंस। इसके साथ में आपको याद रखना है कि कुछ दिन पहले एक एस राइड होता है, एस राइड को लॉन्च किया जा रहा था, तो आरबीआई ने बताया कि एक कार पुलिंग ऐप। अच्छा, क्या मुझे कोई बता सकता है कि एस राइड जो है, एस राइड किसके अंडर काम कर रहा था, यानी कौन सी कंपनी थी जो एस राइड चलाई थी? क्योंकि आरबीआई ने जनता को कॉशियस किया था कि एस राइड जो है इसका आप लोग इस्तेमाल अपनी खुद की ही उस पे मर्जी पर करना, बिकॉज आरबीआई अपनी तरफ से इन्हें कोई खास अप्रूवल नहीं दे रहा है, एक सेमी क्लोज्ड पीपीआई की तरह ये वर्क कर रहे हैं। कोई मुझे बता सकता है इनका नाम क्या था? नहीं बताओगे? नॉट इवन अ सिंगल आंसर, ऐसे कैसे चलेगा? कैश भी नहीं है, गलत है। चलो खैर, एक और भी चीज़ आप लोग याद रखे रहिएगा कि जैसे हमने अभी एक देखा कोऑपरेटिव बैंक हम देख रहे हैं, ठीक है, तो एक और आप लोग याद रखे रहिएगा कि नासिक का इंडिपेंडेंस, ये मुझे एक बच्चा तब से बता रहा है, इंडिपेंडेंस कोऑपरेटिव बैंक, इसका भी लाइसेंस कैंसिल किया गया है, ठीक है। फिर अभी अभी जो मर्सेंटाइल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड होता है, इनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई थी, है ना, और इनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन ये थी कि 1,00,000 तक विड्रॉल कर सकते हैं यहाँ के कस्टमर्स, इससे ज़्यादा ये लोग विड्रॉ नहीं कर सकते हैं। इस पॉइंट को ज़रा आप लोग ध्यान रखे रहिएगा, ओके। यस, इसके साथ में याद रखे रहिएगा कि जो जनलक्ष्मी कोऑपरेटिव बैंक है इनके ऊपर 50.35 लाख की पेनाल्टी लगाई गई थी आरबीआई के द्वारा, यस। और रिस्ट्रिक्शन लगाई गई थी किसके ऊपर? नागर कोऑपरेटिव बैंक के ऊपर। किसके ऊपर? नागर कोऑपरेटिव बैंक। अब बात आती है नागर कोऑपरेटिव बैंक कहाँ का होता है, ये भी महाराष्ट्र का है, ठीक है। तो इंडिपेंडेंस, नागर और जो हम लोग फिलहाल में पढ़ रहे हैं आपका, ये तीनों के तीनों कोऑपरेटिव बैंक आपके महाराष्ट्र के हैं, जिसमें से आपका फिलहाल में जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं सारे राव दादा, इसका जो फिलहाल में कैंसिल कर दिया गया है लाइसेंस, ठीक है। इसका नाम मुझे बहुत टिपिकल लगता है, मैं 3 दिन से इसका नाम देख रही हूँ, मुझे बहुत वियर्ड लगता रहता है, सरजी राव दादा, ठीक है, ये इसका नाम है, पता नहीं क्यों मुझे मतलब टंग ट्विस्टर जैसा ये लगता है। तो इन लोग इसके लाइसेंस को ही कैंसिल कर दिया गया है, ठीक है। हाँ भाई, चलो। अच्छा, और एक और भी बात आप लोग याद रखे रहेगा कि कोऑपरेटिव बैंक के लिए भी 4-tier स्ट्रक्चर अपॉइंट किया गया था, ठीक है। यस यस, अब जरा अगली न्यूज हम देख लेते हैं। नागर कोऑपरेटिव बैंक दादा सरजी राव, हाँ तुम लोगों को याद हो गया, ग्रेट। अच्छा बच्चों, एक और भी बात देखो कि अगर कभी भी कोई भी बैंक बंद होता है तो क्या उसके जो कस्टमर्स हैं उनके सारे के सारे पैसे चले जाएंगे, कुछ नहीं मिलेगा? ऐसा नहीं है। अगर कभी भी कोई भी बैंक बंद होता है तो उस केस में DICGC होता है, जो कि RBI का एक सब्सिडियरी होता है। अब ये सब्सिडियरी क्या करता है, बेसिकली इन सभी लोगों को एक तरीके से इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है, यानी कि हमारे जितने भी अकाउंट हैं बैंक में जो कि RBI के अंडर है, उन सभी बैंकों में हमारे अकाउंट को इंश्योरेंस दे रहा है DICGC। ये एक इंश्योरेंस कंपनी की तरह काम करता है हमारे बैंक अकाउंट के लिए, और इसका प्रीमियम बैंक्स भरते हैं। तो अगर बैंक बंद भी होते हैं तो DICGC क्या करता है, उन लोगों को अपने एंड से प्रोवाइड करता है इंश्योरेंस 5,00,000 तक। इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारे अकाउंट में 500 और तुम सोच रहे हो ये बैंक बंद हो जाएगा 5,00,000 मिलेगा, तब तो सब दिन भर मनाते भगवान दुनिया का सारा बैंक बंद हो जाए और हमें 5,00,000 मिल जाए। नहीं, जितना तुम्हारे अकाउंट में है उसके हिसाब से इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जाता है। मैक्सिमम किसी को 5,00,000 मिलेगा, और कभी भी एक बैंक में सिर्फ और सिर्फ एक ही अकाउंट इंश्योर होता है, इससे ज़्यादा इंश्योरेंस नहीं प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। ये पॉइंट्स आप लोग ज़रा ध्यान रखे रहिएगा। हाँ, ऑब्वियसली उसके लिए ज़रूरी है कि उससे ज़्यादा, उससे कम पे थोड़ी ना मिलेगा।
अगला देख लो भाई, अब हम जैसे देख सकते हैं, दिल्ली सरकार ने डेवलप किया है साइंस इनोवेशन हब सिटी स्कूल के अंदर। दिल्ली पुलिस ने इसके अलावा 3 नए डिजिटल इनिशिएटिव्स को लॉन्च किया गया है। क्या कोई मुझे ये बता सकता है कि दिल्ली के हेल्थ मिनिस्टर का नाम क्या है? एनीवन हु कैन टेल मी व्हाट इज द नेम ऑफ दिल्ली हेल्थ मिनिस्टर? नहीं बताओगे? ओके चलो देखते चलना, बताते चलना। फिलहाल में हम लोग ये देखते हैं, तो एक बहुत ही आसान सी चीज़ जैसा हम देख सकते हैं कि जो दिल्ली सरकार है ये लॉन्च कर रही है साइंस इनोवेशन हब बच्चों, ठीक है। तो ये साइंस इनोवेशन हब क्या है? ये एक स्कूल में लॉन्च किया गया है जो कि दिल्ली सरकार की स्कूल है, और इसको बनाने के लिए जो कॉस्ट है ये 5 करोड़ की है, ठीक है। तो 5 करोड़ में अगले 2.5 साल में साइंस इनोवेशन हब बनाया जाएगा। अब ये साइंस इनोवेशन हब क्या होगा? बेसिकली इसको लाया जा रहा है ताकि साइंटिफिक टेंपर लाया जा सके बच्चों में, जो उनका टैलेंट है उसको और नर्चर किया जा सके साइंस और टेक्नोलॉजी की फील्ड में। फीचर क्या होगा? अब जो ये हब बनेगा, हब क्या कहोगे आप लोग, एक प्लेटफॉर्म की तरह होता है। तो जो ये हब बनेगा, यहाँ पे ऑडिटोरियम होगा, लाइब्रेरी होगा, प्लानिटेरियम, म्यूजियम, जैसे आप लोग साइंस सिटी में जाओगे। अगर कोई लखनऊ में होगा तो वो शायद कभी गया होगा, रीजनल साइंस सिटी है तो वहाँ पे सब होता है, प्लानिटेरियम, म्यूजियम, साइंस, टेक्नोलॉजी, ऑब्जेक्ट आर्ट, मॉडल, एक्सपीरियंशियल गैलरीज, ये सब कुछ होता है ना। उसी तरीके से ये आपका एक हब बनाया जाएगा जिसके थ्रू बच्चों में थोड़ी जागरूकता लाई जा सके, और बच्चों के अंदर अगर कोई ऐसा टैलेंट है तो उसको और ज़्यादा नर्चर किया जा सकते। इस वजह से आपका ये इनोवेशन हब बनाया जा रहा है, दिल्ली के सरकारी स्कूल में बनाया जाएगा 5 करोड़ में, अगले 2.5 साल में ये कंप्लीट हो जाएगा ऐसा बताया जा रहा है। ओके, इसके अलावा यहाँ पे वर्ल्ड क्लास साइंस एक्सपीरियंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर भी रहेंगे। फिर ये तो दिल्ली सरकार ने लॉन्च किया है, अगली बात आती है दिल्ली पुलिस की। तो दिल्ली पुलिस ने अपने वहाँ पर अनुभूति और ई चिट्ठा लॉन्च किया है, ठीक है। देखो अनुभूति जो कि एक QR बेस्ड कोड है, बेसिकली QR कोड जो होता है फीडबैक सिस्टम है जहाँ पे लोग अपने फीडबैक प्रोवाइड कर सकते हैं। फिर इन्होंने जो दिल्ली पुलिस की वेबसाइट है उसको रिफर्बिश किया है, और एक है ई चिट्ठा पोर्टल। तो एक सिस्टम होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं HRMS। HRMS का मतलब होता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम में जितने भी पर्सनेल्स होते हैं किसी कंपनी के अंदर, उनसे रिलेटेड डिटेल्स होती हैं। वो लॉगिन करते हैं जब वो आते हैं, लॉग आउट करते हैं जब वो लोग जाते हैं, तो इससे ये क्लियर होता है कि कौन बंदा कितने टाइम पर आया है, कितने टाइम पर निकला है, पूरी उसकी ड्यूटी वर्किंग आवर्स होती हैं। रिलेटेड अगर ऑर्गेनाइजेशन कुछ है, कोई टिकट रेस करनी है रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन, तो वो सब कुछ वहाँ पे प्रोवाइडेड होती है। तो ये ई चिट्ठा पोर्टल इनका HRMS पोर्टल रहेगा। अनुभूति रहेगा जहाँ पे फीडबैक लोग देख सकते हैं अपने अपने एंड से, और इसके अलावा दिल्ली पुलिस वेबसाइट है इसको रिफर्बिश कर दिया गया है। ये फिलहाल में दिल्ली में लॉन्च किया गया अभी। अब देखो जरा इस इनिशिएटिव की हम बात करें तो इनको लॉन्च किया गया है दिल्ली पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना जी के द्वारा, जहाँ जैसे आप देख सकते हो, जिससे कि जो डिलीवरी सिस्टम है दिल्ली पुलिस की वो और अच्छी की जा सके। अनुभूति आप देख लो, QR कोड बेस्ड पेपरलेस फीडबैक मैनेजमेंट सिस्टम है जहाँ पे 2-way कम्युनिकेशन होगा पब्लिक और लोगों के बीच में, और सिटीजन्स जो होंगे वो आराम से क्या कर सकते हैं, विजिट कर सकते हैं पुलिस स्टेशन पे और स्कैन कर सकते हैं QR कोड पुलिस स्टेशन का, और साथ ही साथ में अपने रिस्पॉन्स की फीडबैक दे सकते हैं यहाँ पर। रिफर्बिश यूज़र फ्रेंडली वेबसाइट है, तो ये वेबसाइट होगी दिल्ली पुलिस की जहाँ पे तमाम तरीके की इन्फॉर्मेशन होंगी सिटीजन्स के लिए कि वो डिपार्टमेंट के बारे में जान सकें और उसका ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग कर सकें। ई चिट्ठा ये होगा बैकबोन ड्यूटी डिप्लॉयमेंट का, और ये एक्टिव होगा 178 टेरिटोरियल पुलिस स्टेशन दिल्ली के अंदर। यहाँ पे 8 घंटे का वर्क शिफ्ट होगा पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर, और इस इनिशिएटिव के साथ जो पर्सनल्स होंगे उन्हें सफिशिएंट टाइम मिलेगा कि वो अपनी फैमिली और पर्सनल वेलनेस पे भी ध्यान दे सके, ठीक है। दिल्ली की हम बात कर लें तो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं आपके अनिल बैजल, स्टेडियम है मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम, अंबेडकर स्टेडियम, यूनेस्को हेरिटेज साइट्स होते हैं हुमायूं टॉम, कुतुब मीनार और इनके मॉन्यूमेंट्स। इसके अलावा क्या याद रखना होगा? हाँ, इसके अलावा आप लोग जरा और कुछ बातें याद रखे रहिए दिल्ली से रिलेटेड। यस, सबसे पहले तो याद रखिए रहिएगा कि हमारे भारत में जो सबसे पहला स्मोक टावर आया है ये कहाँ लॉन्च किया गया था? दिल्ली, दिल्ली के CP में लॉन्च किया गया था, फिर आनंद विहार में लॉन्च किया गया था। तो भारत का पहला स्मोक टावर यहाँ पे लॉन्च किया गया था। लास्ट ईयर ये अपने बजट को देशभक्ति बजट का नाम दिए थे, तो ये भी याद रखना। अभी इस बार के बजट को डिस्कस करना ज़रूरी है, लास्ट ईयर का नहीं आपसे पूछा जाएगा। हाँ, फिर आप लोग ज़रा याद रखे रहिएगा कि दिल्ली सरकार ने अपने वहाँ पे सोनू सूद जी को बनाया था ब्रांड एम्बेसडर देश के मेंटोर के अंदर।
आईटी दिल्ली इंडियन एयरफोर्स के साथ में मिल करके इंडिजिनियस एफर्ट्स को बेटर करने के लिए अभी अभी टाइप की थी, ठीक है। हाँ, दिल्ली में आपका इको वेस्ट इको पार्क शुरू किया जा रहा है, जिससे जितने भी ई वेस्ट हैं उसको सही तरीके से रिसाइकिल किया जा सके, ठीक है। यस, दिल्ली में अभी अभी हमारे वहाँ पर सबसे बड़ा जो चंडीगढ़ का ही, हमारे वहाँ का जो सबसे बड़ा रेसलिंग एकेडमी खुलने वाला है ये दिल्ली का ही होगा, ठीक है। और ये दिल्ली के किशनगंज में रेलवे हमारे वहाँ की जो है इसको शुरू करने वाली है, ठीक है। दिल्ली में दिल्ली स्विच कैंपेन लॉन्च किया गया था लास्ट ईयर, जिसके तहत दिल्ली सरकार ने कहा था कि इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में हम लोग ये इनकरेज करेंगे लोगों की कि वो लोग स्विच कर सकें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे। इसके साथ में दिल्ली सरकार ने ये भी कहा था कि 2024 तक हमारे वहाँ पे जो 25% गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन होगा वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का होगा, ओके। किसी को कोई दिक्कत परेशानी? ओके, जरा तुम लोग इसे लाइक वाइक कर दो यार। तुम लोग सोचते हो कि ये लोग पढ़ाते कम है, लाइक ज्यादा बोलते रहते हैं। अच्छा लगता है यार जब पढ़ाते रहो और लाइक होता है तो। ग्रेट, दुख तो बहुत है नहीं, सेशन रिलेटेड दुख बताओ। ऐसे तो मुझे भी बहुत दुख है, लेकिन वो मैं तुम्हारे साथ यहाँ डिस्कस नहीं कर सकती हूँ। तो अभी हम लोग सेशन रिलेटेड दुख बांट सकते हैं। अच्छा ठीक है भाई, ग्लास से पीऊंगी पानी। अब देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे तुम लोगों के सामने कि जो वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर है, इन्होंने अभी अभी अनाउंस किया है 5 लाख का इंश्योरेंस वन स्टॉप सेंटर के जो वर्कर्स हैं उनके लिए, और साथ ही साथ में स्त्री मनोरक्षा प्रोजेक्ट भी इन्होंने लॉन्च किया है, ठीक है। तो देखो, अभी अभी नेशन वाइड सेलिब्रेशन के अंदर आज़ादी का अमृत महोत्सव, हम सभी को पता है, इसके अंदर जो है जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट है, इन्होंने कहा है कि ये इंटरनेशनल वुमेन्स डे वीक मनाएगी 1 से लेकर 8 मार्च तक। 8 मार्च को क्या होता है, इंटरनेशनल वुमेन्स डे होता है, और इसको इनॉग्रेट किया जाएगा यूनियन मिनिस्टर स्मृति जुबिन ईरानी जी के द्वारा। खास बात यह होगी कि जो इनॉग्रल इवेंट होगा इसको ऑर्गेनाइज किया गया है चाइल्ड डेवलपमेंट मंत्रालय के द्वारा, और ये ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च डेवलपमेंट के साथ में मिलकर के कर रहे हैं, ताकि जो महिलाएं हैं उनकी सुरक्षा पे ज्यादा से ज्यादा लोग फोकस कर सकें। इस इवेंट के दौरान इंश्योरेंस कवर दिया जाएगा 5 लाख रुपए तक का, और ये सभी वर्कर्स जो वन स्टॉप सेंटर के अंदर काम करती हैं उनके लिए होगा। वन स्टॉप सेंटर को 2015 में लॉन्च किया गया था निर्भया फंड का यूज करके, ताकि जो भी महिलाएं हैं जो डिस्ट्रेस्ड हैं उन्हें मेडिकल एड, मेंटल और लीगल सपोर्ट किया जा सके वन स्टॉप सेंटर के अंदर। तो जो भी महिलाएं इसके अंदर काम करती हैं उन सभी को 5 लाख का इंश्योरेंस कवर अप दिया जाएगा, ऐसा सरकार का कहना है। इसके अलावा इंटरैक्टिव सेशंस होंगे जो ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च डेवलपमेंट और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक कोऑपरेशन चाइल्ड डेवलपमेंट करने वाली है। इस इवेंट में जो करंट डेवलपमेंट है हमारी कंट्री का, जो जो इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं महिलाओं की सेफ्टी के लिए, उसके बारे में बताया गया है। इसके अलावा स्त्री मनोरक्षा प्रोजेक्ट को भी लॉन्च किया गया था। तो जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट है, इन्होंने लॉन्च किया स्त्री मनोरक्षा प्रोजेक्ट। ये इन्होंने निमहांस के साथ में मिलकर के किया है बेंगलुरु कर्नाटका में। क्यों किया गया है, बेसिकली महिलाओं का मेंटल हेल्थ सही करने के लिए इसलिए लॉन्च किया गया है, ओके। इसके साथ में ये भी देखिएगा, अब ये जो प्रोजेक्ट होगा ये फोकस करेगा किस तरीके से 6000 वन स्टॉप सेंटर फंक्शनरीज बन सकते हैं अपने वहाँ पर, और कैसे जो महिलाएं हैं उनकी जो भी केसेस हैं जो इसको अप्रोच कर रहे हैं, कैसे उसको हम लोग बेटर तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। इस रिगार्ड में जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट है, इन्होंने लॉन्च किया है एडवांस सर्टिफिकेट कोर्स ओएससी काउंसिलर्स के लिए, साथ ही साथ में रिसोर्स मटेरियल भी लॉन्च किया है कैपेसिटी बिल्डिंग ओएससी स्टाफ के लिए। जो पूरा ट्रेनिंग मॉड्यूल है इसको बनाया गया है निमहांस के द्वारा, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो लीगल सर्विसेज जो प्रोवाइड की जाएंगी गवर्नमेंट के द्वारा। तो जो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट है, इन्होंने कहा है कि ये एक पायलट नारी अदालत ले आने वाली है नालसा के साथ में मिल करके, जिससे कि जो वुमेन विक्टिम्स हैं इन्हें स्पीडी जस्टिस प्रोवाइड की जा सके। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नारी अदालत, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है नारी अदालत कौन लाने वाला है, वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट और नालसा साथ में मिलकर के लाने वाले हैं। देन ये देखो न्याय बंधु यानी प्रो बोनो लीगल सर्विस, ये एक ऐसा प्रोग्राम है जो लिंक करेगा एक पर्सन जो एलिजिबल होगा कि वो अवेल कर सके फ्री लीगल एड
अंडर सेक्शन 12 ऑफ LSA एक्ट 1987 लॉयर्स के साथ में। इसके अलावा एक आपका टेली लॉ प्रोग्राम जो कि लीगल सर्विस लोगों को पब्लिक को प्रोवाइड करेगा, इंक्लूडिंग पर्सन जो एंटाइटल्ड है फ्री लीगल एड के अंदर, इन सभी को करेगा। तो ये तीन चीज़ें और भी सर्विसेज हैं जो सरकार फोकस कर रही है, इन्हें प्रोवाइड कर रही है। सबसे इंपॉर्टेंट याद रखे रहिएगा नारी अदालत, देन याद रखे रहिएगा न्याय बंधु, और फिर याद रखे रहिएगा टेली लॉ प्रोग्राम। नारी अदालत किसके साथ में मिलकर किया जा रहा है? नालसा के साथ में, ओके। फिर यहाँ पे आपका मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट की पूरी डिटेल्स है जो आप देख सकते हो। इसकी स्मृति जुबीन ईरानी जी यहाँ पे चीफ हैं, इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है अमेठी उत्तर प्रदेश। मिनिस्टर ऑफ स्टेट मुंजपारा महेंद्र भाई कुलाभाई, इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है सुरेंद्र नगर गुजरात, ठीक है। इस न्यूज़ को अभी अपन लोग नहीं करेंगे, अभी हम लोग करेंगे इसे लोन टैप ने पार्टनरशिप किया है अर्का। देखो यार, एक दो न्यूज़ हैं जो मुझे याद है जो मैंने आगे के लिए शिफ्ट करके रखी हुई है, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा मुझे लिखना पड़ेगा, उसके बिना वो न्यूज़ नहीं पॉसिबल है, तो उनको मैंने आगे के लिए रिजर्व करके रखा है। एक हमारी जो कल वाली न्यूज़ थी, एक अभी की आज स्विस एयर फ्यूल वाली है, ठीक है। अपन लोग करेंगे, घबराओ नहीं, जैसे ही नहीं पहनाती है उसे भी करेंगे, अभी ज़रूरी है कि हमारा सेशन हो। अच्छा बच्चों, मंडे को क्लास नहीं होगी, ये मैं आपको फिर से एक बार याद दिला रही हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि तुम लोग मंडे के बाद क्लास आना भूल जाओ, नहीं, मंडे को क्लास नहीं होगी, लेकिन उसके बाद होगी ट्यूसडे और वेंसडे में, शायद थोड़ी थोड़ी सी, नहीं, ट्यूसडे वेंसडे को मैं चलो क्लास लूँगी, एक्चुअली मेरे घर में फंक्शन है तो मंडे को मैं ट्रैवल कर रही हूँ, जिस वजह से मैं क्लास नहीं ले पाऊंगी, ठीक है। बाकी चलो ठीक है, मैं ट्यूसडे और वेंसडे में अरेंज करूंगी, किसी तरह से ले लूंगी, ठीक है। मंडे को पार्टी नहीं है, पार्टी है वेंसडे को, मंडे को मैं ट्रैवल करूंगी और ट्यूसडे को कुछ शॉपिंग रहेगी, लेकिन ये रात के 10 बजे है इसलिए मैं कोशिश करूंगी कि ले लूँ, बिकॉज नहीं लेती हूँ तो उससे क्लास का फ्लो आपका और मेरा, मतलब आपका तो बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब होता है। पीडीएफ तो आपको मिलेगी, पीडीएफ की कोई चिंता मत करो, किसी भी तरीके से अपन लोग जो है क्लास कर लेंगे, ठीक है। अरे एंगेजमेंट है यार, घबराओ नहीं, तुम लोग जो भी लोग गोरखपुर में हो वो 13 तारीख को आ जाना, मैं तब वो सेलिब्रेशन कर रही हूँ, 13 तारीख को तुम लोग आ जाना गोरखपुर में, 10 पार्क स्ट्रीट होटल में दावत है, ठीक है, वहाँ पे आ जाना, वो मेरे बेटे का बर्थडे सेलिब्रेशन होगा तो उसमें मैं तुम लोगों को इनवाइट कर रही हूँ, जो गोरखपुर में हो आ जाना वहाँ पे, ठीक है। हाँ भे, चलो पीडीएफ में एनोटेशंस आ तो नहीं रहे, लेकिन अब मैं एनोटेशंस प्रोवाइड करूंगी, घबराओ नहीं। अच्छा चलो, अब अपन लोग जरा इसको फोकस कर लेते हैं। लोन टैप बेसिकली क्या होता है? एक तरीके का कह सकते हो आप लोग ऑनलाइन कंपनी है जो कि लोन भरने या लोन प्रोवाइड करता है ऑनलाइन, ठीक है, इसका अपना प्लेटफॉर्म होता है। इन्होंने आर्का और MAS फाइनेंशियल सर्विसेज के साथ में एक नया डिजिटल लेंडिंग मॉडल शुरू किया है। तो अब ये है क्या? अरे मेरी टीम है कंटेंट की, ऐसे घबराओ नहीं, कंटेंट के लिए है मेरे पास लोग, ठीक है। देख लो, लोन टैप है ये एक लीडिंग फिनटेक डिजिटल लेंडिंग प्लेटफॉर्म होता है, मतलब डिजिटली लेंड करता है ये, ठीक है। तो ये डिजिटली लेंड करता है प्लेटफॉर्म। अब इसका एम है कि ये फाइनेंशियल ईयर 2022 में, अब इस चीज़ को काफ़ी क्लोजली करने वाला है, क्या करने वाला है, बिजनेस के लिए कोलैबोरेशन किया है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी आर्का फिनकैप और RBI रजिस्टर्ड NBFC MAS फाइनेंशियल सर्विसेज के साथ, कि ये लोग मिल करके क्या कर सके, ये लोग मिल करके को लेंडिंग मॉडल अपने सैलरीड और MSME सेगमेंट के लिए प्रोवाइड कर सके। खास बात क्या होगी कि जो कोलैबोरेशन है ये लोन टैप को अलाउ करेगा कि ये अपनी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके क्विक प्रोसेस ला सके और टैप कर सके लार्जर कस्टमर बेस, जिससे लोन डिसबर्सल ज़्यादा से ज़्यादा अपने वहाँ पर कर सके। इस कोलैबोरेशन के थ्रू जो लोन टैप होगा, यहाँ पे 6 को लेंडिंग पार्टनरशिप की जाएंगी इनके NBFC प्लेटफॉर्म के तहत। लोन टैप टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म LTFlo ये हेल्प करेगा सभी संस्थाओं की कि ये स्टार्ट कर सके डिजिटल नो योर कस्टमर नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस अग्रीमेंट अलॉन्ग विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसके अलावा ये इनेबल करेगा जो लेंडर्स होंगे, लेंडर्स टू सोर्स शेयर रिस्क और अंडर राइट प्लग इन कैपिटल, मतलब कि जितनी सुविधाएं होंगी ये लोन टैप अपने प्लेटफॉर्म पर देगा, जिससे जो भी आकर के इसके साथ साइन अप करके और नई सुविधाएं लाने वाला है वो इसके साथ में इतनी सुविधाओं से मिल सकेंगी। लोन टैप ने रिसेंटली लॉन्च किया था लिमिटलेस क्रेडिट कार्ड और साथ ही साथ में लोन्स की नीड भी प्रोवाइड कर रहा है मिलेनियल और यंग वर्किंग प्रोफेशनल्स को, ठीक है। ये है क्या, 2016 में बनाया गया था, हेड ऑफिस पुणे महाराष्ट्र में, को फाउंडर सत्यम कुमार है। आर्का 2018 में आया, हेड ऑफिस मुंबई में, एग्जीक्यूटिव चेयरमैन CEO विमल भंडारी। MAS फाइनेंशियल 1995 में आया, हेड ऑफिस अहमदाबाद, चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर कमलेश गांधी। ओवरऑल मोटी मोटी क्या चीज़ है, लोन टैप अपना डिजिटल लेंडिंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगा, उसका यूज़ आपकी MAS और अर्का करके न्यू सेगमेंट में लोन वगैरह प्रोवाइड कर सकती हैं, जिससे इन लोगों का कस्टमर बेस बढ़ेगा और इनका बिजनेस बढ़ेगा। इतनी सी न्यूज़ है जो हमें याद रखनी है, ओके। चलो
बहुत बहुत शुक्रिया सेशन को देखने के लिए। अब चलो जरा देख लेते हैं आज के हमारे क्वेश्चंस क्या हैं, ठीक है। कल सुबह 8 बजे आप लोगों की वीकली भी है, तो कल सुबह 8 की क्लास भी आप लोग देख लेना। वीकली सेशन हमारा कल सुबह 8 बजे रहेगा, ठीक है। हाँ भाई, जो भी लोग हो गोरखपुर के, बिल्कुल आ जाना 13 तारीख को 10 पार्क स्ट्रीट में सुबह 11 बजे, तुम लोगों का स्वागत है, बिल्कुल आ सकते हो तुम लोग। अब चलो जरा हम लोग देख लेते हैं क्या क्या हमारे क्वेश्चंस हैं। अभी भी हाल फिलहाल में वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर स्मृति ईरानी ने अनाउंस किया है कि ये इंश्योरेंस करने वाली है वन स्टॉप सेंटर वर्कर्स का, और लॉन्च किया इन्होंने स्त्री मनोरक्षा प्रोजेक्ट। किस अमाउंट से इंश्योरेंस दी जाएगी, इंश्योरेंस कवरेज की क्या अमाउंट होगी? ऑप्शन देख लो, 5 लाख, 8 लाख, 6 लाख, 10 लाख। ओके, हाँ चलो इसके अलावा देखो, स्विस इंटरनेशनल एयरलाइन AG, अच्छा ये हम लोग अभी नहीं पढ़े, ये देखो लोन टैप ने पार्टनरशिप किया अर्का और MAS के साथ में, ताकि ये लोग इसके लिए लैंडिंग मॉडल ला सके। CEO कौन होता है लोन टैप का? क्रिस्टल रैंक्स, कमलेश गांधी, सत्यम कुमार या विमल भंडारी? कौन सी राज्य सरकार ने लॉन्च किया है साइंस इनोवेशन हब सिटी स्कूल में? गुजरात, दिल्ली, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। RBI ने कैंसिल किया है लाइसेंस सरजे राव दादा नायक श्रीला सहकारी बैंक लिमिटेड का, किस सेक्शन के अंदर इनका लाइसेंस कैंसिल हुआ है? 11, 12, 13, 14। किन्होंने पार्टनरशिप किया yatra.com और SBI कार्ड के साथ में, ताकि ये लॉन्च कर सके को ब्रांडेड यात्रा SBI कार्ड, बोथ BNC, DICGC, NPCI या नन? किन्होंने पार्टनरशिप किया IRCTC के साथ में, ताकि ऑफर कर सके डिजिटल टिकटिंग सर्विसेज ATVM के थ्रू? फोन पे, पेटीएम, गूगल पे, भीम। कौन से बैंक ने रिसेंटली पार्टनरशिप किया है फिजडम के साथ में, ताकि ऑफर कर सके फिनटेक सर्विसेज अपने कस्टमर को? SBI, यूको बैंक, UBI, BOB। रेलिगेयर ब्रोकिंग ने लॉन्च किया है प्री अप्लाई LIC IPO ऐप, कौन सा अकाउंट ओपन के लिए? फिक्स डिपॉजिट, सेविंग, डीमैट, करंट। ओके चलो, तो ये हमारा आज का क्लास था। अगर आप लोगों को सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना। कल सुबह 8 बजे आप लोगों की वीकली लगी हुई है, तो सुबह 8 बजे भी भैया आ जाना है सभी को, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, छोड़ना नहीं है किसी को भी, सभी को आना है। हाँ भाई चलो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए घर पे रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, कोई दिक्कत दुख परेशानी तो बता सकते हो, उस पर वर्क किया जाएगा, उसको दूर किया जाएगा। थैंक्स एवरीवन फॉर वॉचिंग द सेशन, हैव अ ग्रेट डे एवरीवन, विल मीट यू अगेन टुमारो, टिल देन हैव अ गुड नाइट, टेक केयर एंड बाय बाय, गॉड ब्लेस यू पीपल, जय हिंद, जय भारत।